सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आए हो। तो आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ फुल डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन एंड करेक्शन रिजेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, कैसे करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तो इस विषय पे मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए आज का जो वीडियो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग NBFC पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो ब्राउज़र को ओपन करके आप NBFC पोर्टल का जो वेबसाइट है उसको टाइप कर दीजिए। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना। फिर आपको ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो फिर लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं किए तो आप नीचे जाके डोंट हैव अकाउंट इधर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आप कैप्चा डाल के इधर लॉगिन कर लीजिए। तो देखिए मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं कैप्चा डाल के इधर लॉगिन करूँगा। तो देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे की इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इधर जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने ओनली वेरिफिकेशन किए हैं तो उस एप्लीकेशन से कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। अगर आप कोई करेक्शन किए हैं तो ही आपका रिजेक्शन या एक्सेप्टेड आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप टेंशन में है कि मैं वेरिफिकेशन कर दिया लेकिन मेरे कोई रेफरेंस आईडी नहीं है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे, अगर जिसका रिजेक्ट हो गया तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो सेल्फ कीजिए, अगर कोई फैमिली मेम्बर का हुआ तो फैमिली पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको एपिक नंबर पुट करने के लिए बोलेगा। तो आप एक एपिक नंबर पुट कर दीजिए जिस पर्सन का रिजेक्ट हुआ है। तो एपिक नंबर की पुट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एक फॉर्म आ जाएगा। तो इसी फॉर्म को ही फिलअप करना है। तो आप फॉर्म को देख लीजिए, तो यही है फॉर्म, इसी फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए। तो मैं इंग्लिश कर दिया। तो लैंग्वेज चेंज करने के बाद सब कुछ इंग्लिश पे हो जाएगा। तो हम लोग वन बाय वन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं आसाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिए, तो मैं बरपेटा को सिलेक्ट करूँगा। फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं बरपेटा को सिलेक्ट कर दिया। फिर आपका जो वोटर आईडी कार्ड पे नेम है उस नेम को इधर पुट कीजिए। फिर आपका जो पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है एंड एपिक नंबर है आप इधर पुट कर दीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, आप क्या चेंज करना चाहते हैं, आप नेम चेंज करना चाहते हैं या फोटोग्राफ चेंज करना चाहते हैं या आपका इलेक्टोरल रोल जो वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर चेंज करना चाहते हैं, फिर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, तो फिर रिलेटिव्स नेम चेंज करना चाहते हैं, टाइप ऑफ रिलेटिव्स, फिर आपका जो जेंडर है, मतलब आप जो चेंज करना चाहते हैं उसी पे ही उसको क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करके आपको जो आपका करेक्टेड नेम है या आपका जो करेक्ट एड्रेस है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ आप देना चाहते हैं तो सब कुछ आपको इधर पुट करना होगा। तो सब कुछ सही तरीके से पुट कर दीजिए ताकि कोई भी गलती ना हो। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। लेकिन आप जब इस बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे सही तरीके से करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, जैसे कि आप पैन कार्ड करेंगे, आधार कार्ड करेंगे, अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट करेंगे, फिर फोटोग्राफ अगर चेंज करना चाहते हैं तो फोटोग्राफ भी आप अपलोड कर देंगे। फिर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पुट कर दीजिए। फिर आपका प्लेस इधर पुट कर दीजिए, पुट करके कैप्चा को इधर पुट करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने से पहले एक बार आप देख लीजिए सब कुछ सही है या नहीं। फिर आप जब इधर क्लिक कर देंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आपका मोबाइल पे आएगा। तो उस रेफरेंस नंबर से आप इधर से ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्टेड हो गया। तो इसी तरह ही रिजेक्टेड प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कर सकते हैं, यही है 100% राइट वाला सोल्यूशन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।